थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हेलो माई डियर लवली हैप्पीनेस फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस लव टाइम एंड रिस्पेक्ट. फ्रेंड्स आई हर्टली वैल्यू लॉट यू ऑल ब्लेसिंग्स ऑल प्रेयर्स दैट यू ऑलवेज शावर ऑन माई हैप्पी यूनिवर्स. यू नो वेरी वेल हैप्पी यूनिवर्स इज अ चैनल ऑफ सर्विंग द हैप्पीनेस एंड वी जस्ट हैप्पी विद इन अवर सेल्फ दैट रियली रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर आइज दैट रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर फेस एंड दैट happiness will go to the universe and transmit that vibration and that will come to you and you just reflect on others. So friends, stay connected with my happy universe and be blessed with my happy universe more ever. So no further delay, let's move ahead with our video. What we have discussed till now, friends, we have discussed with our thank you God for all the blessings for my happy universe family and all the upcoming ones. Thank you. Next, friends, we have discussed on all aspects of our health. Next, body, mind, spirit, mind. Next, who we all are spirits and spirit mission has completed. Law of love, above love, what hum hain. इस सीरीज में अब आपसे करते हैं हम बात. उससे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता दूं, आप इस परिवार का बहुत खुशी से दिल से आत्मा से हिस्सा बन सकते हैं. ये चैनल आपकी खुशी का है, आप इसे अपनी खुशियों को बढ़ाने के लिए और हमारे लिए खुशी बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके सारी ही आने वाली वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन को आप ले सकते हैं. तो फ्रेंड्स खुशी बांटिए और अपनी खुशी बढ़ाइए और हमारी खुशी भी बढ़ाइए. तो चलिए फ्रेंड्स आज स्टार्ट करते हैं कि आज मेरे पास अबव लव में मैं हूँ और आज है पार्ट नंबर 3. क्या है मेरे पास आपके लिए बताऊँ कुछ. उससे पहले मैं कुछ गाऊँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है आपको तो पता ही है मुझे गाना अच्छा लगता है. तो मैंने सोचा आप एक गाना सुनते होंगे, तो आप सुनते होंगे तुम धूप हो तुम छांव हो. मैं भी कुछ गाना चाहती हूँ आपके लिए और हम सब सेम एनर्जीज हैं, तो ये सब कुछ हम सभी को हमें ही तो डेडिकेट हो रहा है. तो चलिए मैं गाऊं. मैं धूप हूँ मैं छांव हूँ, मैं धूप हूँ मैं छांव हूँ. कैसे हूँ छांव बताती हूँ. उससे बढ़कर मैं क्या हूँ, मैं चट्टान हूँ. आई एम कॉन्क्रीट, मैं चट्टान हूँ. और ये अभी नहीं बताऊँगी, ये भी आपको क्लियर करूँगी कल. लेकिन तो मैं धूप भी हूँ और मैं छांव भी हूँ और मैं सबसे बढ़कर मैं चट्टान हूँ. मैं किस तरह की चट्टान हूँ आपको जानना है ना आज. तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे चट्टान है. और उससे पहले जो मैंने कल कहा आपसे भाई कैसे हम पत्थर दिल बन जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए मैं पत्थर दिल नहीं हूँ और आप भी देखने वाले पत्थर दिल नहीं हैं. क्योंकि जब हम पत्थर दिल हो जाएंगे तो दिल को पत्थर किस लिए करना चाहिए वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी. आप अपने दिल को पत्थर कर लीजिए. जब आपका दिल कहे कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगी या मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, मेरा दिल करता है कि मेरा मन करता है मैं मर जाऊँ या मैं मार दूँ, तो फ्रेंड्स अपने दिल को इतना पत्थर कर लीजिए उस सिचुएशन के आगे, ताकि फिर आपको पता चले कि सच में यूनिवर्स मेरे साथ किस तरह से कांटेक्ट करता है, यूनिवर्स मेरे से किस तरह से मुझे वाइब्रेशंस भेजता है. आप यकीन नहीं मानेंगे कोई चीज़ इत्तेफाक से नहीं होती. और जब आप इस चीज़ को देखेंगे तो शायद आप भी थोड़े हैरान हो सकते हैं, क्योंकि जब मैंने इसे देखा तो मैं भी बहुत हैरान थी. इट्स एक्चुअली व्हाट वी आर जस्ट डूइंग द थिंग्स इन अवर लाइफ, यूनिवर्स आपके साथ किस तरह से बात करते हैं. जस्ट सी दैट. अभी आपको देखने में तो पत्थर लग रहा है, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ ये पत्थर ही है, लेकिन ये किस तरह का पत्थर है. इट्स अ हार्ड शेप पत्थर और ये मुझे रास्ते में चलते चलते मिला है. और ये बहुत ही ब्यूटीफुल जो चीज़ जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट्स वेरी प्योर साइन. अगर मैं इसके ऊपर अगर आपको स्केच से थोड़ा सा करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि हाउ नेचुरली यूनिवर्स कॉन्टैक्ट विद अस. ये साइंस हमें मिलते हैं. सी एक और है, ये छोटा वाला पत्थर है, शायद इसकी एग्जैक्ट शेप आपको नहीं लगेगी बट आप देख सकते हैं. ये मेरे पास 3 मंथ्स पहले से है. तो फ्रेंड्स जब हम कोई चीज़ किस तरह से क्या करते हैं, कैसे साइंस मिलते हैं, बहुत डीपर लेवल पे आगे सीरीज में बताऊंगी ये आपको. लेकिन फिलहाल के लिए मैंने आपको ये दिल बताया कि अपने दिल को इस तरह से चट्टान बना लीजिए, इस पत्थर की तरह बना लीजिए उन सिचुएशंस के आगे जो आपको किसी को माफ़ नहीं करने देती हैं. और जब हम माफ़ करते हैं तो हम किस तरह से चट्टान बनते हैं, और वो पहली वो सिचुएशंस कौन से होते हैं जो आपको पहले वाला जो बॉडीली होते हुए आपको बना देता है बहुत ज़्यादा ऐसा नफ़रत करने वाला इंसान. क्यों? क्योंकि हमने बात की है एक्सपेक्टेशंस.
हमें करती हैं हर्ट। जब भी हम अपने आप को गिवर बना लेंगे, हम एक देने वाले इंसान बन जाएंगे, हर चीज़ खुशियाँ बांटने वाले, ज्ञान बांटने वाले, चाहे किसी भी लेवल पे किसी के साथ किसी भी तरह से इंटरेक्ट करते हो, खुशी देते हो, कोई हेल्प करते हो, तो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यू आर जस्ट सर्विंग द हैप्पीनेस टू एवरीवन। चाहे वो फिर आपकी लाइफ में आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके आसपास कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, लेकिन जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई कुछ दे और आप नहीं दे, आपको नहीं मिलता है उस टाइम पे, तो आप कहीं हर्ट होते हो। वो हर्टनेस जो होती है वो आपके अंदर ही अंदर आपको दिल में दुख देती है, और वो दुख कई बार इस तरह से बढ़ जाता है, तो सम टाइम आप डिप्रेस्ड हो जाते हो या वो फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेती है, और यही चीज़ें धीरे धीरे इकट्ठी होते होते हमारे माइंड में स्ट्रेस का रीज़न बन जाती है, जो कि बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स बन जाती हैं। फ्रेंड्स, ये कहने में बहुत छोटी बातें हैं, ये बहुत नॉर्मल सिचुएशंस हैं, लेकिन एक्चुअली में हम सब इनको इग्नोर करते हैं, और हम इग्नोर करते हैं सबसे पहले अपने आप से, क्योंकि हम इन चीज़ों से ऊपर नहीं निकलना चाहते। तो जब हम इस तरह के पत्थर और चट्टान बन जाएंगे, तो फ्रेंड्स आपके लिए हर उस सिचुएशन से निकलना भी आसान हो जाएगा, और आप फॉरगिवर बन जाएंगे। फॉरगिवर फॉर एवर, फॉरगिवर फॉर एवर। फ्रेंड्स, सेल्फलेसली किसी के लिए भी कोई भी काम करना, जब हम बिना किसी सेल्फिशनेस के कोई काम करते हैं, और चाहे आपके साथ कोई कितना भी बुरा करता है, आप उसको अच्छा ही बोलते हैं, तो समवेयर यू जस्ट सेइंग टू यू, यूनिवर्स में आपके यहाँ से जो वाइब्रेशंस निकल रही हैं वो आपके पास वापस आने वाली है। ये बहुत लॉजिकल बात है। अब जब हम बॉडी में होते हैं, जब हमें बहुत गुस्सा होता है, गुस्सा कंट्रोल करना बुरी बात नहीं है, क्योंकि मुझे भी आ जाता है, तो फ्रेंड्स गुस्सा जहाँ पे हमें करना चाहिए वहाँ ज़रूर कर देना चाहिए, अपने आप को और किसी दूसरे को बिना हर्ट किए बिना। तो दूसरी बात फ्रेंड्स, अगर हमें लग रहा है कि मैं अपने ऊपर, अपने लालच के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरा अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मेरा किसी का बुरा सोचने पे कंट्रोल नहीं है, या मेरे पास, या अपने अपनी और ज़्यादा जो मेरी यू कैन से कि हमारी और कितनी अभिलाषाएं ऐसी होती हैं जो शायद हमें लगता है कि वो एक्सेस में होती जा रही हैं, देन दे आर ऑल वर्क्स ऑफ बॉडीली। ये बॉडी वर्क्स हैं जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, उस लेवल पे आकर हमें माफ़ करना भी बहुत बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम स्पिरिट में होते हैं तो हमें ये सब चीज़ें, हर चीज़ माफ़ करना, ब्लेसिंग्स देना, हर चीज़ बहुत इजी लगती है। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो माई हैप्पी यूनिवर्स पे भी कुछ कमेंट सेक्शंस में ऐसी बातें लिखते हैं, लेकिन सच कहूँ, पहले जब कई स्टार्टिंग में समवेयर वी आर जस्ट फीलिंग दैट कि ये ऐसे क्यों लिखते हैं, फील हमें हो जाता है, लेकिन हाँ, हमें चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि इट्स अ सोशल मीडिया, हर एक पर्सन के पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने का पूरा जो है वो राइट है। लेकिन फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर हम किसी को अच्छा भी लिखते हैं तो भी हम अपने लिए लिखते हैं, अगर हम किसी के लिए बुरा भी लिखते हैं तो भी वो बुरा आज नहीं कल कहीं भी किसी भी रूप में वो उस पर्सन के पास ही जाता है। हम फिर भी यही दिल से दुआ करते हैं कि आप चाहे कोई भी हो, आप कुछ भी लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, आपको भगवान इतनी सद्बुद्धि दे कि आपकी बुद्धि इतनी बढ़े, आपको सच में लगे कि आपके अंदर कोई स्पिरिट लेवल की बात कोई कर रहा है और आपको टच करे वो चीज़ें, और आप अपनी लाइफ से दूसरों के लिए अच्छा बोल सकें। दैट इज़ द बिगेस्ट ग्रेस ऑफ द क्रिएटर ऑन अस दैट वी हैव इन अस। सो फ्रेंड्स, ये तो था थोड़ा सा अपनी सिचुएशंस में जब हम अपने आप को माफ़ करने के लिए पत्थर बन जाते हैं किसी दूसरे को, और पूरी चीज़ों के साथ हम अपने आप को समझा लेते हैं, देन वी बिकम द कॉन्क्रीट। और क्या है, मैं चट्टान हूँ। अब आगे बात करेंगे, आखिर माफ़ करना ज़रूरी क्यों है भाई? बदला तो लेना चाहिए ना, बदला तो लेना ही चाहिए ना, उसने तो कितना बुरा किया है हमारे साथ, या आपने किसी के साथ क्या कभी कुछ अच्छा किया है, या आपने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया? मैं मान सकती हूँ कि समटाइम हमें जाने अनजाने में नहीं पता होता, लेकिन जो चीज़ हम जाने में करते हैं वो सच में ही हम बुरा ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वी विश, वी प्रे, गॉड ब्लेस अस विद अ ग्रेट हार्ट दैट टू फॉरगिव अदर्स एंड फॉरगिव अवर सेल्फ फ्रॉम अवर सिंस।
तो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिए और कल की इम्पॉर्टेंट बात के लिए आप बिल्कुल अच्छे से बने रहिए, ताकि माय हैप्पी यूनिवर्स आपके लिए और ऐसी बातें ला सके जो सिर्फ़ और सिर्फ हम सब की खुशियों के लिए, और हम एक ऐसा ब्रह्मांड बना सके जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं और खुशियाँ ही बांटी जाती हैं और एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग्स बना जाता है। गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखते हुए फ्रेंड्स कल ज़रूर हमारे साथ बने रहना, क्योंकि माफ़ करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब हम माफ़ करते हैं ना, और जब हम किस तरह का माफ़ करते हैं, और जब हम माफ़ कर देते हैं और वो जो आपको माफ़ नहीं करते, वो चीज़ें किस तरह से होती हैं हमारे साथ, हर पहलू पे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई स्पिरिट।